छतरपुर में थाना सिविल लाइन पुलिस ने बीती रात्रि गश्त के दौरान बिजाबर नाकासी अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते 15 जनवरी को पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शहर के बिजाबर नाका के पास अपराध करने की नियत से एक व्यक्ति हथियार लिए खड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमलेश साहू पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अपराध करने की नियत से खड़े संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक 32 बोर की अवैध पिस्टल के साथ उसको गिरफ्तार किया है। वहीं जब पुलिस ने आरोपी से शस्त्र लाइसेंस के बारे में पूछताछ की, तब आरोपी के पास से वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं पाया गया है, जिसके तहत पुलिस ने आर्म्स एक्ट प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। ये कल मुखबिर सूचना पर सिविल लाइन पुलिस द्वारा शांति कॉलोनी में रात्रि 7 से 8 के बीच दरमियान दबिश देकर एक आरोपी से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ऐसा पाए जाने पर 25/27 आर्म सेट का अपराध उसके खिलाफ पंजीबद्ध किया गया, जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर।